नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम पढ़ रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज़, जिसके अंदर अगली कड़ी में हमारा डिजीज़ है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़, जिसका नाम है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, जिसके अंदर हम आज देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके एटियोलॉजी एंड कॉजेज होते हैं, क्या साइन सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, और इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इसके अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ की क्या डेफिनेशन होती है। जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होता है, इट इज़ एन एक्यूट एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ हार्ट वाल्व कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेनोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेयर्ड क्लोजर एंड रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड। जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, यह एक प्रकार की एक्यूट यानी सडनली ऑनसेट होने वाली यानी अचानक होने वाली एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर यानी जन्मजात एट द बर्थ से ऑफ ए हार्ट डिजीज़। यानी जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं, यह अचानक होती हैं और कंजेनाइटल डिसऑर्डर होती हैं यानी जन्मजात डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हार्ट वाल्व की स्टेनोसिस और इम्पेयरमेंट ऑफ क्लोजर वाल्व एंड रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को रिगर्जिटेशन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होता है, यह एक प्रकार की अचानक ऑनसेट होने वाली कंजेनाइटल यानी जन्मजात हार्ट डिजीज़ होती हैं, जिसके अंदर हार्ट वाल्व का स्टेनोसिस यानी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण इम्पेयरमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ वाल्व और रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। इज़ आल्सो नोन हैज मिट्रल वाल्व डिजीज़, और इस तरह की डिजीज़ को मिट्रल वाल्व डिजीज़ कहते हैं। जो मिट्रल वाल्व होते हैं, यह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, जिन्हें हम मिट्रल वाल्व कहते हैं, और इनके बीच में जो वाल्व में डिजीज़ होती हैं, इसे हम मिट्रल वाल्व डिजीज़ कहते हैं। तो अब देखते हैं कि मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस क्या होता है। स्टेनोसिस यानी नैरोविंग ऑफ मिट्रल वाल्व, यानी वाल्व के अंदर नैरोनेस आना, ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टेनोसिस कहलाता है। तो मिट्रल रिगर्जिटेशन, इट इन्वॉल्व बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू लेफ्ट एट्रियम ड्यू टू फेलियर ऑफ मिट्रल वाल्व। यानी जो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस होता है, इसके अंदर रिगर्जिटेशन होता है ब्लड का। इट इन्वॉल्व बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू लेफ्ट एट्रियम, यानी मिट्रल वाल्व की कंडीशन के अंदर ब्लड का रिगर्जिटेशन होता है, यानी कि जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है, वह बैक फ्लो करके लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाने लगता है। इस कंडीशन को हम रिगर्जिटेशन कहते हैं, जो हमें मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। तो ये थी दोस्तों इसकी डेफिनेशन, और हमने देखा कि मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस क्या होता है। इसके बाद देखते हैं इसका डायग्राम कि मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस क्या होता है। तो इसके अंदर कंडीशन दिखाई गई है मिट्रल वाल्व प्रोलेप्स की, यानी जो मिट्रल वाल्व होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में उसका प्रोलेप्स होना यानी उसका फेल जाने की कंडीशन के अंदर ये मिट्रल वाल्व बताया गया है, जिसके अंदर जो मिट्रल वाल्व है वह प्रोलेप्स हो चुका है यानी फेल चुका है, जिसका डायलेशन हो चुका है। और इस कंडीशन के अंदर जो ब्लड है वह रिवर्स बैक फ्लो हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जो ब्लड का बैक फ्लो दिखाया गया है, और बैक का जो ब्लड है उसका बैक फ्लो लेफ्ट एट्रियम के अंदर हो रहा है। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस होता है, यानी जो मिट्रल वाल्व होता है उसका नैरोनेस हो जाता है। तो फर्स्ट पिक्चर के अंदर हमें जो मिट्रल वाल्व दिखाया जा रहा है, यह प्रॉपर डायलेट है, और जो सेकंड पिक्चर है उसमें स्टेनोसिस हो रखी है,
मिट्रल वाल्व की, जिसके कारण जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड है वह लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इंटर नहीं हो पा रहा है इस कंडीशन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है इसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर। इसमें सबसे पहला है डिस्निया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। कफिंग, पेशेंट को कफ होता है। मर्मर साउंड, और जो हार्ट के अंदर मर्मर साउंड सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से। डिसअरिथमियास यानी जो हार्ट रेट होती है वह इरेगुलर हो जाती है। लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। साइनोकोप यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो पेशेंट होता है उसका कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है। और एंजाइना, और पेशेंट के अंदर सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ की कंडीशन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट और डायग्नोस्टिक इवेलुएशन कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर क्या क्या डायग्नोसिस किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है। इकोकार्डियोग्राफी की जाती है जिसके अंदर हार्ट का एक्सरे कैरी आउट किया जाता है। इसके बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है, जो कि जो लार्ज आर्टरीज होती हैं जैसे फ्यूमोरल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी, इनके अंदर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करने की कंडीशन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। इसमें सबसे पहला है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, पेशेंट के अंदर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। और डिसअरिथमियास यानी जो हार्ट रेट होती है वह एबनॉर्मल हो जाती है पेशेंट के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट की, जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है इसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहले पेशेंट को डायोरेटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंदर फ्लूसेमाइड और थायाजाइड मेडिकेशन दी जाती हैं, जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है। इसके बाद पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट दिए जाते हैं, जो इंक्रीज इफेक्टिविटी हार्ट एबिलिटी यानी जो हार्ट की इफेक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसके अंदर मेडिकेशन डिजोक्सिन और डोपामिन पेशेंट को दी जाती हैं। वेजोडाइलेटर्स जिनके अंदर नाइट्रेट्स और NTG यानी नाइट्रोग्लिसरीन होती हैं, जो कि वेसल्स को डायलेट कर देती हैं और ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती हैं। ऐसे ही इनिबिटर्स दिए जाते हैं जिनके अंदर कैप्टोप्रिल 15-25 mg TDS और एनाप्रिल जैसी मेडिकेशंस पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये था दोस्तों वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ का मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या सर्जिकल करेक्शन किए जाते हैं पेशेंट के अंदर। फॉर मिट्रल स्टेनोसिस यानी इस मिट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन के अंदर क्या क्या सर्जरी की जाती हैं। इसमें सबसे पहले हैं क्लोज्ड मिट्रल वाल्वोटोमी यानी जो मिट्रल वाल्व होती हैं उसकी वाल्वोटोमी की जाती है। ओपन मिट्रल वाल्वोटोमी और मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट किया जाता है। वाल्वोप्लास्टी जो सेकेंड सर्जरी है। फॉर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड आर्टिक स्टेनोसिस यानी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और आर्टिक स्टेनोसिस के अंदर वाल्वोप्लास्टी की जाती है। वाल्वोप्लास्टी एक प्रकार की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है जिस जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के अंदर की जाती है। इसके बाद मिट्रल वाल्व रिपेयर यानी जो मिट्रल वाल्व होता है उसकी सर्जरी कैरी आउट होने के बाद जो हार्ट का वाल्व होता है वह इस प्रकार का दिखाई देता है। यानी बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले जो बैक फ्लो या रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड होता है वह रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है आफ्टर सर्जरी के बाद में। तो ये थी दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक छोटी सी डिजीज़ जो कि एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं। इसी प्रकार की और नॉलेजेबल कंटेंट और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।